म्यांमार में तख्ता पलट। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में 1 फरवरी 2021 सोमवार की सुबह तख्ता पलट हो गया। म्यांमार की फौज ने देश पर कब्जा कर दिया और राष्ट्रपति बिन मिंत और सर्वोच्च नेता श्रीमती आंग सान सू की को नजरबंद कर दिया गया। म्यांमार की आयरन लेडी कही जाने वाली सू की का भारत से गहरा नाता है। नोबल शांति पुरस्कार और प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार हासिल कर चुकी सू की लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति गहरी आस्था है। सू की ने 60 के दशक में भारत की राजधानी नई दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की है। बाद में उन्होंने ऑक्सफोर्ड से फिलोसॉफी और इकोनॉमिक्स की मास्टर डिग्री हासिल की। म्यांमार में यह तख्ता पलट सुबह सुबह हुआ है, जबकि अन्य देशों में यह प्रायः रात को होता है। म्यांमार के संविधान के अनुसार संसद के 25% सदस्य फौजी होने अनिवार्य थे और कोई चुनी हुई लोकप्रिय सरकार भी बने तो भी उसके गृह, रक्षा और सीमा, इन तीनों मंत्रालयों का फौज के पास रखा जाना अनिवार्य था। वर्ष 2011 में चुनाव हुए तो सू की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को स्पष्ट बहुमत मिला और उसने सरकार बना ली। सू की पार्टी ने फौज की अड़ंगेबाजी के बावजूद सरकार चला ली, लेकिन फौज ने सू की पर ऐसे प्रतिबंध लगा दिए कि वह सरकार में कोई औपचारिक पद नहीं ले सकी। लेकिन उनकी पार्टी फौजी संविधान में आमूलचूल परिवर्तन की मांग करती रही। सू की संयुक्त राष्ट्र में भी काम कर चुकी हैं। सू की ने वर्ष 1972 में डॉक्टर माइकल एरिस से विवाह रचाया। उन्होंने ब्रिटेन से PhD की डिग्री भी हासिल की। वर्ष 1988 में परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि उन्हें वर्मा वापस लौटना पड़ा। म्यांमार वापसी के बाद शुरू हुई लोकतंत्र के लिए सैन्य शासन के खिलाफ उनकी लंबी लड़ाई। म्यांमार के सैन्य शासकों ने उन्हें डिगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सू की अलग ही लोहे की बनी थी। उन्होंने जेल में रहना पसंद किया, लेकिन अपने सिद्धांतों के साथ कभी भी समझौता नहीं किया। देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी और भी तमाम चटक खबरों के लिए बने रहिए चटक न्यूज के साथ। फॉलो करें हमें फेसबुक पर, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।